हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि यूपी SSSC का जो लैब टेक्नीशियन इंटरव्यू होने वाला है, तो उस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और एक ये भी बात बताने वाला हूँ कि और इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक करना है, किस तरह से इंटरव्यू को पास करना है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और मेरी जितनी भी बातें मैं बोलूँगा वो सारी बातों का आप अच्छे से ध्यान देंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी बातों को लिख दिया है ताकि आप इसे पढ़ भी लें और मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ उसे समझ भी लें। तो ठीक है, यहाँ देखिए, परफेक्ट इंटरव्यू के लिए कोई कैसे तैयारी कर सकता है, यह बड़ा सवाल है। ठीक, तो हम आपको सटीक प्रश्न प्रदान नहीं कर सकते हैं जो साक्षात्कार में पूछे जा सकते हैं, और लेकिन हम आपको अपेक्षित क्षेत्र प्रदान करते हैं। मतलब कि हम आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि जहाँ से साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि साक्षात्कार आपके और आपके ज्ञान का आकलन है, तो आप प्रत्येक क्षेत्र में आप ध्यान दें, सुनें, और हम आपको यहाँ एक टिप्स दे सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से इंटरव्यू देना है, जो आपको इंटरव्यू के लिए खुद को तैयार करना होगा। तो साक्षात्कार के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जाँच करें। तो इस तरह से मैं अब इंटरव्यू को शुरू करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, आप अच्छे से ध्यान से इसे सुनेंगे। साक्षात्कार के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र, मेरी बातों पर विशेष तौर से आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको क्या करना है। तो साक्षात्कार मूल रूप से इंटरव्यू जो होता है उसे मूल रूप से छः क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से छः क्षेत्र हैं जिसके लिए इंटरव्यू मूल रूप से आधारित होते हैं, छः बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो पहला बात है, व्यक्तिगत जानकारी होना चाहिए, आपको अपने बारे में अच्छे से जानकारी रखनी चाहिए, अपने बारे में पूरी डिटेल आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, कैसे हैं। यहाँ पहला बात ये है कि व्यक्तिगत जानकारी, आपको अपने बारे में जानकारी बतानी है कि आप क्या अपने बारे में जानते हैं, उसके बारे में आपको इंटरव्यूअर के सामने बताना है कि किस तरह से आपको बताना है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला बात है, क्यों सरकारी नौकरी क्यों चाहिए आपको, ये बात बनता है। इंटरव्यूअर यहाँ पर आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, अगर चाहिए तो आपको उसके बारे में डिटेल में बताना है कि क्यों चाहिए। तो अभी मैं इन सभी छह चीज़ जो बात है यहाँ पर, छह महत्वपूर्ण बात है, इन सभी के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। तो फिलहाल मैं ये छः बातें आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, अगर आप अपने शैक्षणिक योग्यता हैं, जैसे ये ग्रेजुएशन किए हैं और बीच में गैपिंग वगैरह से संबंधित है, तो गैप से संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी होगी कि गैप आपने क्यों किया, क्या कारण था, इसके बारे में आपको तैयारी करनी होगी। फिर उसके बाद है पिछली नौकरी, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के बारे में आपको बताना है, और वर्तमान नौकरी करते हैं तो वर्तमान नौकरी के बारे में आपको बताना है, और किसी प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना है। तो मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आप अच्छे से अपना तैयारी कर सकते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद देखिए, तीसरी बात यह है कि आपके शैक्षणिक योग्यता, विशेष रूप से स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन से संबंधित आपको प्रश्न तैयार करने होंगे। आप ग्रेजुएशन कौन कौन से सब्जेक्ट से किए हैं और क्या क्या सब्जेक्ट था, तो उन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद चौथा जो बात आती है वो पद और विभागों का ज्ञान, तो आप लैब टेक्नीशियन के पद के लिए आपने फॉर्म भरा है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कितनी पोस्ट है उसके लिए और क्या लैब टेक्नीशियन का कार्य होता है, तो ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बाद देखिए अगला बात आती है कि जीके आपको जनरल नॉलेज, जो कि भारत और यूपी का करंट अफेयर्स और कंप्यूटर ज्ञान बेसिक प्रश्न से संबंधित होना चाहिए, तो ये सब बातें आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए अगली बात हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानना है, और इसके वर्तमान परिवेश में मतलब कि इस समय क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसके बारे में आपको बताना जरूरी है।
उस मतलब जानकारी आप जरूर रखें। समाचार के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये 6 महत्वपूर्ण बात हुई है। अब इसके बाद देखिए, मैं इन सभी का डिटेल आप में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसकी जरूरी बातें क्या है। और तो ये व्यक्तिगत जानकारी, मैंने जैसा कि बताया कि व्यक्तिगत जानकारी आपको अपने बारे में बताना है, तो इसमें देखिए क्या आपको बताना है। तो किसी भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक उम्मीदवार, एक कैंडिडेट को स्वयं का विस्तृत बायोडाटा तैयार करना चाहिए। आप अपना खुद का एक विस्तृत रूप से बायोडाटा तैयार करना चाहिए आपको, और उस अर्थात मतलब उसमें ये होना चाहिए कि आपकी योग्यता, आपका जन्म स्थान, आपके द्वारा अध्ययन की गई जगह, आपके शौक, आपकी हॉबी क्या है, आप इसके अतिरिक्त गतिविधियां, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपका परिवार, इन सभी चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इन इन प्रकार के प्रश्नों में उम्मीदवार अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जैसे इस तरह के जब व्यक्तिगत जानकारी दी जानी होती है, तो उसमें आपको अपने बारे में जानकारी बताना होता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के बारे में होना जरूरी है। आपके अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है। तो इस तरह से आपको व्यक्तिगत बारे में बतानी है। तो इसके बाद देखिए क्या है, चूंकि वे आपके व्यक्तिगत हैं, तो इसलिए आपको इन सवालों का सुविधाजनक तरीके से उत्तर देने की आवश्यकता है। तो चूंकि ये जितनी भी बातें हैं वो आपसे रिलेटेड बातें हैं, और इसलिए आपको इन सभी बातों को एक आत्मविश्वास के साथ ही बताने की आवश्यकता है, और वे आपसे सकारात्मक और नकारात्मक गुण दोनों पूछ सकते हैं। तो इसलिए उत्तर के साथ तैयार रहें। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह की बातें पूछी जा सकती हैं आपके बारे में, तो दोनों टाइप के प्रश्नों का उत्तर आप तैयार करके रखे रहें। ठीक है, और इसके बाद अगला देखिए बात आती है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि क्यों सरकारी काम ही क्यों, सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए आपको। तो जब आप किसी भी सरकार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आप जा रहे हैं, तो उसके लिए जॉब इंटरव्यू में आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट, जब आप सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने इंटरव्यू के बारे में अपने दिमाग में ये बैठा कर रखना होता है कि आप सरकारी नौकरी से आप जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में आप जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इन 3 बातों को ध्यान में रखनी होगी। 3 बातें क्या है ये सब? एक, सरकारी नौकरी नौकरी की सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि सिक्योरिटी प्रदान करती है सरकारी नौकरी, आपको ये बात बतानी है। और निजी नौकरी की तुलना में समाज में बहुत अधिक सम्मान देती है। तो ये जो प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी की अपेक्षा गवर्नमेंट नौकरी में बहुत अधिक सम्मान होती है, सम्मान रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगला बात आप ये बता सकते हैं, किसी भी संयोग से यदि आपके कुछ रिश्तेदार, माता पिता आदि सरकारी नौकरी या बैंक से जुड़े हैं, तो आपको ऐसे मामलों का उदाहरण देना चाहिए, तो और उनका उल्लेख करना चाहिए कि आपने इन लोगों को देखा है और वह उन सभी से आपने प्रेरणा लिए हैं। तो अपने रिलेटिव में, आपके रिलेटिव में जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उन सभी के बारे में बताना है, और आपको ये बताना है कि आप इन सभी से इंस्पायर हुए हैं। तो इस तरह से ये 2 बातें हो गई आपको बताना है। और तीसरी बात ये है कि कभी भी खुले तौर पर जवाब नहीं दे कि मुझे कोई अन्य नौकरी नहीं मिली या मुझे किसी भी कीमत पर नौकरी की जरूरत न है। तो ये सब बात आपको नहीं बतानी है वहाँ इंटरव्यू में, और निजी क्षेत्र में बहुत दुर्भाव होता है, बहुत भेदभाव होता है, ये सब आपको नहीं बतानी है। आपको अधिक प्रश्नों के साथ काउंटर किया जाएगा, तो इस तरह से आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाने जाने लगेंगे। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसके बाद देखिए अगला बात क्या आती है, अगला बात है कि यही नौकरी आप क्यों करना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन नहीं आप क्यों बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, और साक्षात्कार बोर्ड में नियमित रूप से पूछा गया है ये। देखिए, क्वेश्चन इस तरह का आपको इंटरव्यू में अक्सर पूछने के लिए ये बात मिलती है, ये सब बात मिलती है कि यही नौकरी आप क्यों करना चाहते हैं। तो इस सवाल के द्वारा बस वे जानना चाहते हैं कि आप लैब टेक्नीशियन क्यों बनना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में आप उन्हें बताएंगे। और यहाँ पर देखिए, यदि आप बीटेक, बीसीए या एमसीए या एमबीए डिग्री के साथ लैब टेक्नीशियन साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, तो ये प्रमुख प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए लैब टेक्नीशियन होगा, ठीक है,
तो प्रमुख प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप देखिए क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकल डिग्री के साथ लैब टेक्नीशियन के रूप में क्यों शामिल होना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल डिग्री जैसे बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए किए हुए हैं और लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो क्यों शामिल होना चाहते हैं, इन सभी के लिए ये बात पूछी जाएगी। और दूसरा ये प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप इस लैब टेक्नीशियन पद के लिए अयोग्य नहीं हुए हैं, तो ये बातें आपको बतानी होगी कि आप इसके लिए अयोग्य हैं या नहीं, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगली बात ये रहती है कि यदि आपके पास इंटरमीडिएट के बाद गैप है, यदि आपके पास इंटरमीडिएट के बाद गैप है, तो वे आपसे उस गैप के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं, ताकि उसके लिए तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके आपका गैप है स्टडी में, ये क्वालिफिकेशन में, तो उस गैप के बारे में आपको बताना होगा कि क्यों गैप है, तो वहाँ उसके लिए आपको वो रीजन तैयार करके रखे रहिए और उसे ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए ये बात ध्यान में रखनी होती है कि यदि आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, तो वे आपके पिछले या करंट जॉब या उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर आप पोजिशनिंग है और काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो लिविंग के लिए कारण, वहाँ पर छोड़ने के लिए कारण आदि के बारे में पूछ सकते हैं कि आप वहाँ पर क्यों छोड़े हैं। तो इसलिए आपको इन सवालों का भी एक मैनर से आपको उत्तर देना है, अच्छे शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पुख्ता तरीके से देने की आवश्यकता है, और अति आत्मविश्वास के झूठे तर्क न दें, झूठे तर्क न दें, और उत्तर आपके अनुसार वास्तविक होना चाहिए, मतलब कि ऐसा उत्तर दें जो लगे कि हाँ ये वास्तविकता है इस उत्तर में, तो उस तरह से आपको वहाँ पर जवाब देना चाहिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये सब बातें तो ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए और क्या महत्वपूर्ण बात है, अब देखिए पूछा जाएगा पद और विभागों का ज्ञान, तो पद और कौन से विभाग हैं उसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। तो उम्मीदवार को यहाँ पर देखिए लैब टेक्नीशियन होगा, लैब टेक्नीशियन पद के बारे में पता होना चाहिए, और लैब टेक्नीशियन का कार्य क्या होता है और इसके कर्तव्य क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, और उम्मीदवार को उस विभाग का भी ज्ञान होता है जिसमें वे भर्ती हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको लैब टेक्नीशियन के बारे में जानकारी रखनी होगी, ठीक है। और संगठन के बारे में, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानकारी रखनी है। उम्मीदवारों को UP SSC, उसके कार्य क्षेत्र, इतिहास और प्रोफाइल के बारे में जानकारी रखनी है। तो UP SSC में आप जॉब करने जा रहे हैं, तो UP SSC का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, उसका कार्य क्षेत्र, उसका इतिहास, वो कब स्थापना हुआ है UP SSC का, उसके प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि आप कहीं कार्यरत हैं, तो आपको उस संगठन के बारे में भी बताना पड़ सकता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। और उम्मीदवारों को आत्मविश्वास से जवाब देने की आवश्यकता होती है, ये सबसे ज़रूरी बात यही होती है कि उम्मीदवार जो भी है उसे अपने आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, ठीक है। और गलत बयान न दें, और इससे नकारात्मक अंकन होता है, कभी भी गलत तरह की बातें आप ना बोले, इससे आपको जो नंबर मिलने वाला है वो भी आपका माइनस हो सकता है, ठीक है। और यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तो लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाना चाहते हैं, तो विनम्र तरीके से साक्षात्कारकर्ता से पूछें कि सर मुझे सटीक आंसर तो नहीं पता है, लेकिन यदि आप मुझे एक अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं, तो मेरा उत्तर ये होगा। तो इस तरह से आप उनसे जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, तो इस तरह से विनम्र तरीके से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए करंट अफेयर्स और एकेडमिक नॉलेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसमें क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, तो पिछले 3-4 महीनों के करंट अफेयर्स से पूरी तरह परिचित रहें, ठीक है। 3-4 महीने का करंट अफेयर्स आप तैयार रखें, और हाल ही में के पुरस्कार कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पुरस्कार दिए गए हैं, प्रमुख मुद्दे क्या थे, खेल से संबंधित प्रश्न और राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, देश, राजधानियाँ, मुद्राएं एवं संसदों से संबंधित सारी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। और कंप्यूटर ज्ञान बुनियादी कंप्यूटर शब्दावली के साथ पूरी तरह से
रहें, ठीक है। तो इस तरह के कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर सारी बातें जो भी करंट अफेयर्स जीके से संबंधित है, वो सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और अनुमान लगाने के लिए संकोच ना करें, ठीक है। जो भी अनुमान लगाना है वो आप डायरेक्ट कह सकते हैं अनुमान के साथ में, और करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि ये UP SSC है, उत्तर प्रदेश का इंटरव्यू है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आप ज़्यादा ध्यान दें। वे आपके शैक्षणिक ज्ञान से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके शैक्षणिक योग्यता जो है उससे आप प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उम्मीदवार को जो कैंडिडेट है इंटरव्यू देने गया है उसे यूपी कैबिनेट नई सरकार का ज्ञान होना जरूरी आवश्यक है, क्योंकि इस समय यूपी के सीएम कौन है, ये मंत्री कौन है, वो सब आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद योजनाएं और नवीनतम नियुक्तियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस समय कौन सी योजनाएं चल रही है और क्या क्या नई किस पद के लिए नई नियुक्तियां हुई हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। और पिछले 3-4 महीनों में कोई भी जलने वाला मुद्दा, मतलब कि किसी भी तरह का भड़काऊ मुद्दा के भी बारे में, ज्वलंत मुद्दा जो हो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, अब आपको ये बताने वाला हूँ कि इस तरह से तो आपको ये पूरा हो गया कि किस तरह से आपको लैब टेक्नीशियन का तैयारी करना है, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से प्रश्न नहीं बनते हैं, तो उस तरह से आपको यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। तो आप इस तरह से सारे बातों को ध्यान में रखकर एक बार, 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो देखें, पढ़ें खुद से, और इस बात को समझे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस तरह से आप का मैं बता रहा हूँ कि 80% आप इंटरव्यू को तो सिर्फ इसी तरह से ही क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसके बाद देखिए आगे अब है कि किस तरह से क्रैक करना है इंटरव्यू को। तो लैब टेक्नीशियन का जो इंटरव्यू होने वाला है उसे क्रैक किस तरह से करना है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ सुझाव दिए हैं, तो वो सब सारी बातें आप ध्यान से देख लें और उसका पालन करें, ठीक है। तो ये सब टिप्स है, तो टिप्स को याद रखना आपको जरूरी है। तो पहली महत्वपूर्ण बातें क्या होती है, कॉन्फिडेंस रहें और फोकस्ड रहें, मतलब कि आप जाएं अंदर तो पहला नंबर की पूछ कर जाएं अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद जाकर वहाँ पर आपको कहा जाएगा बैठने के लिए, तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहें और एग्जाम जो इंटरव्यूअर है उसके सामने आप अच्छे से फोकस्ड रहें, मतलब कि आंखों में आंख मिलाकर अच्छे से विनम्र स्वभाव के साथ आप उनके सामने बैठे रहें, ठीक है। इसके बाद अगला बात है, यह है कि आपको ध्यान रखनी है कि अपने संचार कौशल को बढ़ाएं और आप अपने वार्तालाप जो भी हैं आपसे संबंधित जरूरी बातें हैं, जैसे कि आपको क्या क्या ज्ञान है उनके बारे में आपको बताना है, जैसा कि वहाँ पर पूछा जाएगा, और यह मुख्य चीज़ है जो अंतर बनाती है, और यही मेन बात जो होती है जो कि आप जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सभी में ये डिफरेंस लाती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अगली बात ये ध्यान रखनी है कि शांत आपको रहना है, किसी भी तरह का शोरगुल नहीं करना है और किसी भी बात के लिए संकोच नहीं करना है इंटरव्यू में, और इंटरव्यूअर को सुनने पर ध्यान दें, मतलब कि इंटरव्यू वहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है इंटरव्यू, तो उस बात पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है, और क्या पूछ रहा है इंटरव्यू इस बात को ध्यान में देना है, और एक बार में ही उत्तर देना है आपको, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐसा करते हैं कि बार बार पूछते हैं कि सर क्या बोले आप, क्या बोले फिर से एक बार बोलिए, तो इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो इस तरह से शांत और शांत रहना है आपको और ध्यान देना है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात होती है कि साक्षात्कार पैनल के प्रत्येक सदस्य को ध्यान दें और सभी का सादर करें, मतलब कि इंटरव्यू पैनल में जितने भी इंटरव्यूअर हैं उन सभी पर ध्यान देना है आपको, मतलब कि एक केंद्रित करना है, ध्यान केंद्रित करना है उन सभी पर, और विनम्र स्वभाव से आप उनके सामने बैठे, ठीक है। इसके बाद अगली बात यह है कि साक्षात्कारकर्ता मतलब इंटरव्यूअर के साथ किसी भी स्थिति में बहस ना करें। अगर आप किसी भी स्थिति में इंटरव्यूअर से बहस करते हैं तो इससे आपकी जो आप पर नकारात्मक असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरव्यूअर से बहस ना करें किसी भी बात को लेकर। इसके बाद अगली बात होती है कि वेल वेल ड्रेस, मतलब कि आपको अच्छे ड्रेस पहनकर जाना होगा, अच्छे से तैयार होकर आपको जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए, और आपके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई देनी चाहिए, इस तरह से आपको जाना है
और हल्का सा स्माइलिंग फेस लेकर आपको जाना है ताकि आपके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद अगली बात इम्पोर्टेंट बात है, अपने चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान, मतलब कि एक अच्छी सी स्माइल लेकर के साथ ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है, ठीक है। ये नहीं कि खड़ूस की तरह गए और डायरेक्ट इंटरव्यू के साथ इंटरव्यूअर के सामने इंटरव्यू देने के लिए बैठ गए, तो उस तरह से नहीं, हल्का हल्का आपको स्माइलिंग फेस बनाना होगा, हल्का हल्का स्माइल करना होगा और इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। इसके बाद है सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि अधिकतम अंक आपके अपने एटीट्यूड, मतलब कि आपके व्यवहार पर ही अधिकतम अंक दिए जाएंगे। जैसे 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है तो उसमें से आपको 20 में से समझिए कि 10 नंबर जो होता है वो आपके व्यवहार पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपनी व्यवहार को हमेशा पॉजिटिव ही रखें। इसके बाद देखिए और भी ज़रूरी बातें हैं कि यदि आपका गला ठीक नहीं है, जैसे गला खसखसा रहा हो या फिर, तो उसमें पानी मांगने के लिए आप संकोच न करें, डायरेक्ट या गला सूखा हुआ हो तो आप तुरंत ही उससे पानी मांगे इंटरव्यूअर से, ठीक है। इसके बाद अगला बात ये ध्यान में रखनी होती है कि आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। तो आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए, और इन्हीं दो बातों के साथ में ही आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दें, और बहुत अधिक तनाव न लें, किसी भी तरह का टेंशन वगैरह आप न लें, सिर्फ अच्छे से आत्मविश्वास के साथ और विनम्रता के साथ उनका जवाब दें। इसके बाद देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि साक्षात्कार के बाद अपनी हताशा और आशाहीनता को प्रदर्शित न करें। अगर आप साक्षात्कार दे लेते हैं तो उस तरह से ज़्यादा आप हेसिटेट ना हो और आशाहीनता को प्रदर्शित ना करें कि मेरा इंटरव्यू ख़राब जा रहा है या फिर अच्छा जा रहा है, तो इस तरह से आपको किसी भी तरह से वहाँ पर शो नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बाद अगला बात यह है कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपने रिवेट्स को जीत लिया, मतलब कि इंटरव्यू अगर खत्म हो जाता है तो वहाँ पर आप अपना रिवेट्स, मतलब कि एग्जामिनर से ये चीज़ कहें कि कैसा इंटरव्यू हुआ है, उसके बारे में अपना रिवेट्स मांगे उनसे कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, ये सब बातें आपको वहाँ पर पूछनी है, पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और अधिकांशतः इंटरव्यू का अधिकतम टाइम 10 से 15 मिनट के लिए होता है, और इन 15 मिनट में आपको 100% प्रयास करना है। जो इंटरव्यू का टाइमिंग होता है जो जो कि 10 से 15 मिनट के बीच का होता है, और इसी बीच में आपको खुद को इतना प्रदर्शित करना है कि इतना दिखाना है कि आप 100% मतलब कि सक्षम है इंटरव्यू के लिए, और 100% आप सही सही जवाब दे रहे हैं, उस तरह से आपको वहाँ पर खुद को प्रदर्शित करना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए अंतिम महत्वपूर्ण बात है ये कि साक्षात्कार हाल में खुद का सबसे अच्छा दिखाएं, मतलब कि इंटरव्यू के बोर्ड में, जिस बोर्ड में आपका इंटरव्यू पड़ेगा, जिस हॉल में आपका इंटरव्यू पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको खुद को सबसे अच्छा दिखाना है कि आप ही उनके सामने सबसे अच्छा बेस्ट हैं, और उन्हें आपको चुनने के लिए हर कारण दें, और आपको ऐसा वहाँ पर दिखाना है कि वो किसी भी एंगल से आप उनके सामने गलत ना होए और उन्हें चुने आपको चुनने के लिए वो मजबूर हो जाए। तो इस तरह से आप खुद को इतना अच्छा वहाँ पर दिखाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी आपके साथी हैं उन सभी का भला हो जाए, वो सभी इंटरव्यू को अच्छे से दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।